और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले इस वीडियो को, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। इसमें जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार कमेंट के माध्यम से बता दें कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट से बता दें आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। पवन भाई नमस्कार। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट से बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। नमस्कार महेंद्र प्रजापति जी। पवन भाई एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। ओके ठीक है, आवाज़ जा रही है। बस एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बात की जाए, आगे के प्लान पर, आगे के धरने पर, आगे की कोर्ट प्रक्रिया पर। सभी भाइयों को नमस्कार। उमेश कुमार भैया, अब कोई नहीं लड़ रहा है, आपस में कोई नहीं लड़ रहा है। और हमारा भी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि कोई ना लड़े, और ख़ासकर तो हम लोग लखनऊ से आने के बाद, मीटिंग से आने के बाद कोई भी प्रतिक्रिया तभी देने के लिए बाध्य हुए जब पानी सर से ऊपर चला गया। और बाकी हम लोग जो पहले से प्रक्रिया थी कोर्ट प्रक्रिया को, उसको अभी तक हम लोग उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं। जितने भी काउंटर फाइल करने थे वो काउंटर फाइल हो चुके हैं। मीन्स ये आप कह सकते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया में जो शुरू से हम लोग जिस काम में लगे हैं उस काम में कोई भी कमी नहीं आ रही है। और आप सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग किसी के भी पोस्ट पर कोई भी उल्टा कमेंट अब ना करें। अब किसी को कोई भी उल्टा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने 20 को आंदोलन है और 25 को कोर्ट की सुनवाई। इसलिए सभी लोग अभी सिर्फ और सिर्फ सबका फोकस आंदोलन पर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से सरकार को हम बाध्य कर सकते हैं। अगर आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे तो सरकार 25 की सुनवाई में ढिलाई बरत सकती है। जैसा कि एक जो आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि सरकार के पास एजी नहीं है, तो वो जो समस्या है वो तभी दूर होगी जब हम लोग 20 को एक महा आंदोलन और एक जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे, तभी वो समस्या हमारी दूर होगी। चाहे सरकार डबल एजी को भेजे, चाहे प्राइवेट काउंसिल को भेजे, वो सरकार की प्रॉब्लम है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए सबकी कि अब 20 तक और 25 तक कोई भी निगेटिव माहौल किसी भी तरीके से ना बने। जिसको जहां सहयोग करना है वो स्वतंत्र है, यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसको कोई बरगला लेगा। सभी लोग यहाँ 25, 30, 35, 40 साल एज वाले लोग इस
लिस्ट में चयन हुआ है जिनका, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए किसी को सफाई अब देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली जो काम होनी चाहिए, एक युद्ध लेवल पर जो आंदोलन की तैयारी होनी चाहिए वो अब सोशल मीडिया पर भी दिखनी चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक दो लोगों के कहने से हमारे मनोज भाई या प्रदीप भाई या अमरेंद्र या विजय या जितने भी लोग हैं उनके कहने से या उनके करने से ही सब कुछ नहीं होगा। जब तक 6800 परिवार एक साथ नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 20 के आंदोलन में जो भी गलतियां अभी तक हुई, जो भी आरोप प्रत्यारोप अभी तक हुए उसको हटा करके, क्योंकि देखिए एक चीज कांस्टेंट है कि सभी को नौकरी की अति आवश्यकता है, और अगर नौकरी नहीं मिली तो ना हम किसी लायक रह जाएंगे ना कोई और किसी लायक रह जाएगा। तो भैया आप लोगों से यही निवेदन है कि सभी लोग आंदोलन पर युद्ध स्तर की तैयारी करिए, एक तरीके से सोशल मीडिया पे माहौल बना दीजिए, और माहौल बनाने के लिए एक लोगों को नहीं सबको लगना पड़ेगा। 20 को हमारी पूरी टीम आ रही है, और हमारे भी जितने मित्र हैं हमारे आजमगढ़ के, अंबेडकर नगर या फैजाबाद, जितने भी पूर्वांचल के साथी हैं सभी लोग तैयार हैं। और यह भी एक बात सत्य है कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें मैक्सिमम जो भाई अचयनित रह गए हैं उनका पार्टिसिपेशन रहा है, इसको हमें कहने में कोई तकलीफ नहीं है। ये सच्चाई है कि जितने अचयनित लोग हैं वो जिस तरीके से आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे, आज के डेट में या कह सकते हैं कि 20 को ये देखने की बात होगी कि चयनित में कितना जोश और जुनून है अपनी नौकरी को लेकर के। जब कुछ नहीं था, जब कोई लिस्ट नहीं थी, जब अंधेरे में लोग तीर मार रहे थे, तब आयोग से रिपोर्ट निकलवाया गया और उसी रिपोर्ट के दम पर लोग मेहनत करके लिस्ट लेके आए। तो अब तो हमारे पास सब कुछ है, अभी तक कुछ नहीं था लेकिन अब सब कुछ है। तो हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो 6800 परिवार, जैसे अभी तक क्या था कि जो लोग धरने में आ रहे थे किसी को ये नहीं पता था कि क्या होगा आंदोलन में, क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन अब तो सबको पता है कि नियुक्ति अगर एक को मिलेगी तो पूरे 6800 को मिलेगी, और अगर एक लोग आंदोलन करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप सभी को ये लगता है कि हमें नौकरी जल्दी चाहिए तो उसके लिए सभी को आंदोलन में आना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ये काम आप लोगों को करना है और इसकी तैयारी आप लोग जोर शोर से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। तो आंदोलन प्राथमिकता में होनी चाहिए। आंदोलन के लिए आप लोगों को युद्ध स्तर पर तैयारी करके लखनऊ में पहुंचना पड़ेगा ताकि सरकार विवश हो जाए संख्या जन सैलाब को देख करके कि इतने लोग अगर आज के डेट में सड़क पर हैं तो अगर इनको हम न्याय नहीं दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल ये लोग उपद्रव कर देंगे पूरे लखनऊ के सिटी में। इसलिए आप सभी लोगों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ आने की कोशिश करें, और हमें ये नहीं लगता कि किसी को नौकरी से बड़ी या नौकरी से ज़्यादा किसी के लिए और भी कुछ प्राथमिकता में हो सकती है। इसलिए नौकरी के लिए आप सभी लोगों को आना ही पड़ेगा, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लग जाइए। अब सभी साथियों को फोन करिए कि सभी लोग आएं। युद्ध के लिए न्योता नहीं दिया जाता, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए किसी को न्योता नहीं देना चाहिए। 50,000 की सैलरी अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जिंदगी संवर सकती है तो उसके लिए आपको आंदोलन में आना ही पड़ेगा। आंदोलन की प्रक्रिया बिल्कुल आप जान लीजिए कि जोरों शोरों से आज आप लोग शुरू कर दीजिए,
पहले से ही शुरू था, लेकिन अब समय करीब आ गया है तो उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। और दूसरी बात, 25 की सुनवाई को लेकर के जो सबसे अहम मुद्दा है, एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है कि सरकार की तरफ से कौन आएगा। और ये जो क्वेश्चन मार्क है जितने लोगों के दिमाग में है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन मार्क का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 20 तारीख के आंदोलन से मिलेगा, और सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब संख्या बल होगा। इसलिए संख्या बल अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग संख्या बल लेके आएंगे तो जितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, जितने लोगों के नहीं बल्कि सभी के मन में ये क्वेश्चन है कि सरकार की तरफ से क्या प्रक्रिया है, सरकार क्या करना चाह रही है, इसलिए 20 तारीख को इसका जवाब अगर सबको चाहिए तो आप सभी लोग 20 तारीख के आंदोलन में जरूर पहुंचिए। इसके लिए किसी को बताने की या किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत ना पड़े। अब इसके बाद रही बात 25 की, तो सरकार की तरफ से क्या तैयारी है ये तो 20 तारीख के आंदोलन से डिसाइड होगा। और 25 को आप लोग भी देख रहे हैं कि अचयनित की तरफ से लगातार अधिवक्ता का पैनल बढ़ा रहे हैं वो लोग। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि बीच में नए नए आए हैं, हम लोग 6800 की लिस्ट आने के बाद से लगातार लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हम लोग कोर्ट की प्रक्रिया को देख रहे हैं उसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास पे प्रयास किए जा रहे हैं, यहां तक कि डबल बेंच में भी गए, जिसको लोग इशू भी बनाना शुरू कर दिए थे। डबल बेंच में जाने का मतलब ये नहीं था कि वहां से ये सोच करके गए थे कि केवल पैसे बहा करके चले आए। इसलिए डबल बेंच में जा करके सिर्फ ये था कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति मिले, इसलिए डबल बेंच गए। नोटिस इशू कराने की बात आई तो नोटिस इशू कराने में अचयनित लोग हाथ खड़े कर दिए, सभी लोग हाथ खड़े कर दिए। तो विजय भाई ने फोन करके बोला कि भाई आप लोग अगर चाहते हैं जल्द नियुक्ति मिले तो नोटिस देना ही पड़ेगा, अगर नोटिस नहीं दिया जाएगा तो 25 के बाद एक और एक महीने की लंबी डेट मिलेगी। तो हम लोग ने तनिक भर देर ना करते हुए उसके लिए भी तत्काल में हम लोगों ने पैसे विजय भाई को भेज दिया। जबकि हम लोगों ने क्या सोचा था, जो पैसे विजय भाई को भेजे गए थे ये सोच करके रखा गया था कि 25 तारीख तक किसी से एक रुपए लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सुनवाई है वो अंतिम पड़ाव में सुनवाई है और मैक्सिमम 3 से 4 डेट में फाइनल हो जाएगा केस। और 3 से 4 डेट कोशिश यही रहेगी हमारे अधिवक्ताओं के पैनल की तरफ से कि लगातार डे टू डे सुनवाई करा के, हियरिंग करा के केस को डिसाइड किया जाए। इसलिए 25 की तैयारी हमारी आयोग टीम की तरफ से पूरी थी, है और रहेगी। इसलिए आज मजबूरन जब नोटिस के पैसे दे दिए गए हम लोगों के पास, जब अब पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और कर रहे हैं। इसमें एक रिक्वेस्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और जोड़ रहे हैं कि किसी भाई बहन को अगर पैसे नहीं देने होंगे तो प्लीज आप कोई भी उल्टा पुल्टा कमेंट मत करिएगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सभी ग्रुपों में अचयनित और जनरल के कैंडिडेट भी वहां पे घुसे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हमारा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सहयोग करिए। हमारा ज्वाइंट अकाउंट जारी होगा, उसमें आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। और उस सहयोग सिर्फ इतना चाहिए कि 25 तारीख को हमारे वकील संदीप दीक्षित, जो कि बहुत ही जबरदस्त बहस करते हैं, इसका प्रूफ जितने लोग डबल बेंच में ऑनलाइन केस में जुड़े थे या सिंगल बेंच में जुड़े थे उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बार भी जितने लोग चाहते हैं कोर्ट की प्रक्रिया देखने के लिए, वो लोग भी अगर हमसे बोलेंगे तो लिंक हम उनको प्रोवाइड करा देंगे, वो भी कोर्ट प्रक्रिया को ऑनलाइन घर से बैठ करके देख लेंगे कि हमारे वकील किस तरीके से दंदारी से बहस करते हैं। संदीप दीक्षित, हम लोग सारे वकील को संदीप दीक्षित और माथुर सर भी बहुत जबरदस्त बहस करते हैं। तो हमारा प्रथम प्रयास यही है कि 25 तारीख को संदीप दीक्षित को अपीयर कराया जाए, और उसके लिए आप लोगों को सहयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे
तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी आपकी तरीके से बैठ जाएंगे, क्योंकि हम अभी फिर बोल रहे हैं, एक सेंटेंस ऐड करेंगे, अभी भी आज के डेट में भी हमें उपेंद्र नाथ मिश्रा पे 100% भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अमेंडमेंट फाइल किया है उस पर हम कतई आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर 25 को वो बहुत अच्छा कर देते अपने केस के लिए, तो अगर आप लोग कहेंगे तो संदीप दीक्षित को नेक्स्ट डेट से हम लोग अपीयर नहीं करेंगे, लेकिन 25 को अगर 6800 की तरफ से एक प्योर वकील नहीं रहेगा तो इसका खामियाजा भी शायद हमें और आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए केस पर कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े, हमारे नौकरी पे कोई खतरा ना पड़े, इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी सहयोग कर सकते हैं, 1500 रुपये आप लोग कर दीजिएगा। 25 तारीख के केस के लिए आपके मन में भी ये दुविधा होगी, भले आपको कोई कितना भी समझा रहा होगा, लेकिन आपके मन में भी दुविधा होगी इस बात का कि उपेंद्र नाथ मिश्रा ने जो अमेंडमेंट फाइल किया कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ जाए। उस अमेंडमेंट पे अगर भास्कर के वकील भी स्टैंड हो जाएंगे तो भी शायद समस्या हो जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हमें इतना सहयोग करिए, आपकी जो इच्छा होगी, बस हमें संदीप दीक्षित को उतारने के लिए 1.5 लाख रुपए तक का जो सहयोग चाहिए, अगर आप लोग वो कर देंगे तो उसके बाद फिर हम लोग सहयोग आपसे 1 रुपए नहीं मांगेंगे। उतना सहयोग आपसे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग करिए, क्योंकि संदीप दीक्षित एक हमारे ऐसे वकील रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ 6800 की बात करेंगे। किसी भी कंडीशन में वो 6800 के लिए अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो वहां पे डटे रहेंगे कि 6800 के लिए कुछ भी गलत ना होने पाए। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ 6800 के लिए ही जाएंगे। इसलिए भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सहयोग मांग रहे हैं, जिसको नहीं देना होगा वो उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत हिम्मत जुटा करके फिर से एक बार लोगों के फोन करने की वजह से, लोगों के समझाने की वजह से एक बार फिर से सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नौकरी से मतलब है। और अभी तक जो भी कोर्ट की प्रक्रिया थी उसमें कोई भी ढिलाई नहीं हुई, चाहे लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद बेंच हो। अब वो अलग की बात है कि अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, उसका भी कारण है, आप लोगों को पता भी है कि क्यों नहीं आया और डेट मिलने का कारण क्या है, चुनाव खत्म होने तक का इंतजार करना था। सब कुछ हो चुका है, अब की बार सरकार भी फाइनल हियरिंग के लिए आ रही है। सरकार किसको लेके आएगी, अभी आप लोग सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन मत करिएगा, जिसके मन में क्वेश्चन होगा वो 20 के धरने में आएगा, और धरने में आने के बाद जो भी उसके डाउट्स होंगे कि 20 को सरकार की तरफ से कौन पैरवी करेगा, वो सब वहीं पर क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसको भेज रही है। बाकी 25 की तैयारी के लिए जिसको आप सहयोग करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि संदीप दीक्षित को 25 के लिए आप लोग किसी भी तरीके से सहयोग कर दीजिए, ताकि 25 को वो अपीयर हो जाएं। अगर उपेंद्र नाथ मिश्रा 100% अपने केस को लेकर के और उनके अमेंडमेंट पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा केस पर, और हमें और आप लोगों को लगेगा कि अब संदीप दीक्षित की जरूरत नहीं है, तो आप लोग अगर कहेंगे तो संदीप दीक्षित को 25 के बाद नहीं अपीयर कराया जाएगा। लेकिन 25 को आप मान लीजिए कि अगर आप नहीं अपीयर कराएंगे तो भास्कर के 2-3 सीनियर काउंसिल, उपेंद्र नाथ मिश्रा अपनी तरफ से हैं, 100% हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार हमको खाया जा रहा है, हमें नहीं आपको भी मन में ये क्वेश्चन रहेगा। तो 25 तक आप लोग देख लीजिए, हमारे वकील को भी, उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को भी। अगर उपेंद्र नाथ मिश्रा अच्छा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी भी अपने केस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के कंडीशंस होंगे तो संदीप दीक्षित वहां पे खड़े रहेंगे, कम से कम 6800 के लिए कोई बुरा ना होने पाए। और एक चीज आप लोगों से, क्योंकि इतनी जिल्लत हो चुकी है इसलिए अब हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी अब ज्वाइंट अकाउंट जारी किया जाएगा, और उस ज्वाइंट अकाउंट में पर डे आपको शाम को जो भी मैसेज आएंगे
देखो ज्वाइंट अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ चेक से पैसा निकाला जा सकता है, उसमें ना तो फोन पे चलता है, ना पेटीएम चलता है, कुछ भी, नेट बैंकिंग कुछ भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलेगा फोन पे पे। तो ज्वाइंट अकाउंट में पैसा जाएगा, उस पैसे को चेक से निकालना पड़ेगा। तो जो आप पैसे भेजेंगे लास्ट अपडेट तक, उसमें टाइम भी दिया रहेगा, जैसे आज से अगर आप पैसे भेजना शुरू कर रहे हैं तो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अगर आपको दिया जाएगा अपडेट, 8 बजे तक लास्ट मैसेज आया है पैसे का, तो उसका जब अपडेट दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आज 8 बजे तक कितने पैसे आए हैं। कल फिर आपको ये अपडेट पर डे दिया जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट से इस बात को बिल्कुल आप निकाल दीजिएगा कि ज्वाइंट अकाउंट से कहीं भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट से डेली आपको उसका स्टेटमेंट, जो लास्ट मैसेज आएगा कितना पैसा आया, उसको दिया जाएगा, और वकील कौन सा हायर किया जा रहा है, उसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं, उसके लिए जितने भी आयोग टीम पे भरोसा कर रहे हैं, जितने भी लोग, उसमें से अगर किसी के मन में भी, जो पहले से भरोसा कर रहे थे, अगर उनके मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो भी ब्रीफिंग के समय, वकील को फीस देने के समय आ सकते हैं। वो लोग आ सकते हैं। कितना पैसा दिया जा रहा संदीप दीक्षित को, वो आप देख सकते हैं। उनकी पर हियरिंग चार्ज 1,50,000 रुपए है, प्लस जूनियर जो भी ले ले, 1,50,000 रुपए। अब अगर कोई ये गुमराह करे कि इनकी फीस इतनी नहीं है, इतनी है, तो उन महानुभाव से भी कहना चाहेंगे कि भैया जितना कम आप करा सकते हो आके करवा दीजिएगा, क्योंकि उनकी फीस 1,70,000 रुपए थी, और जिस दिन हम लोग ब्रीफिंग में गए थे उस दिन हम, मयंक, दो जूनियर वकील, उनको ब्रीफ कराने के बाद जब फाइनली संदीप दीक्षित ने बोला 1,70,000 रुपए, तो सब एग्री भी हो गए, मयंक भाई भी एग्री हो गए कि ठीक राहुल भाई दे दीजिए। लोग दरवाजे से बाहर निकले, उसके बाद हम उनके पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर हम गरीब लोग हैं, आप अगर इतना लेंगे तो देंगे किसी भी तरीके से, लेकिन खुशी मन से नहीं दे पाएंगे। अगर आप 1,50 कर देंगे तो खुशी खुशी आपको इतने पैसे हम दे सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान गए कि ठीक है 1,50,000 रुपए आप हमको दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जाओ हम आपके लिए इतना कर देंगे। ये बात मयंक को भी पता है, अगर आपको भरोसा नहीं तो मयंक से भी फोन करके पूछ लीजिएगा। 1,70 पे मयंक भी राजी हो गए थे कि चलो ठीक है यार दे दीजिए, लेकिन हमने कहा, फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर 1,50 पर ही आप करिए, इतना हम दे सकते हैं, हमारी इतनी क्षमता, हम लोग गरीब बच्चे हैं, 2 साल से भटक रहे हैं, पूरे वकील लखनऊ के खून चूस लिए बच्चों का, किसी तरीके से आप करिए। तो 1,50,000 रुपये उनकी फीस है। जितने भी साथी को लगता है कि, या जिसको भरोसा नहीं होगा, वो आ करके साथ में ब्रीफिंग के समय, पैसे देते समय आ सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 25 की तैयारी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ज्वाइंट अकाउंट जारी किया जाएगा उसमें आपका जो भी सहयोग होगा, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है, जो भी सहयोग कर सकते हैं, 1,500 रुपये आप कर दीजिएगा, ताकि 25 की लड़ाई के लिए एक प्योर वकील जो 6,800 के लिए हो, जिसके ऊपर कोई संदेह ना हो, वो तैयार रहे। हाँ, किसी को पार्टी बनने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सहयोग देना है संदीप दीक्षित को अपीयर कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सहयोग करना है, पार्टी किसी को भी नहीं बनना है। प्रभात भाई, पार्टी नहीं बनना है, किसी को पार्टी नहीं बनना है, सिर्फ आपको सहयोग करना है। 1,50,000 रुपए 25 तारीख तक, अब 25 तारीख को सुनवाई है, तो ये मान के चलिए 25 के पहले 24 को संडे है, और संडे से पहले सैटरडे है, तो फ्राइडे सैटरडे तक उनको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए फ्राइडे सैटरडे तक आप लोग भैया सहायता कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, अपनी तरफ से संदीप दीक्षित अपीयर रहेंगे, वो जबरदस्त बहस करते हैं, और जितने भी समझदार भाई होंगे अगर हमसे कहेंगे, तो देखो सबको तो नहीं दे पाएंगे लिंक, लेकिन हाँ एकाध डिस्ट्रिक्ट के अगर एकाध लोग फोन करेंगे कि भैया आप, जिनको लगता है, जिनको हमारे ऊपर डाउट है या संदीप दीक्षित के ऊपर डाउट है, उनको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो जुड़ करके देख लेंगे कोर्ट में किस तरीके से संदीप दीक्षित बहस करते हैं।
और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा जो रिक्वेस्ट है अमरेंद्र भाई और विजय भाई से कि आप लोग सहयोग मांगिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम सभी लोगों से भी कह रहे हैं कि आप किसी का भी सहयोग करिए, जरूरी नहीं कि आप हमारा सहयोग करिए, आप किसी का भी सहयोग करिए, बस ये है कि सोशल मीडिया पे माहौल खराब मत करिएगा, अब माहौल बिल्कुल खराब मत करिएगा, आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, जिसको इच्छा करे आप सहयोग करिए, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप उनको क्यों सहयोग कर रहे हो, उनको भी करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, एक डाउट है, एक अमेंडमेंट पे समस्या है इस वजह से, और नहीं तो हम भी उपेंद्र नाथ मिश्रा पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते एक वकील का, और इसमें कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए, एक वकील से अगर दो वकील हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, लास्ट मोमेंट पे हियरिंग होनी है तो लास्ट मोमेंट पे अगर हियरिंग हो रही है तो उसमें अगर अपनी तरफ से एक उपेंद्र नाथ मिश्रा और दूसरे संदीप दीक्षित हो जाएंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी समस्या हो जाएगी, दोनों वकील 6800 पे अगर बात कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और अब रिक्वेस्ट है अमरेंद्र भाई और विजय भाई जितने भी लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अब अनाप शनाप किसी का नाम लेकर के हमारा मनोज प्रदीप या किसी भी आयोग टीम में जितने भी लोग स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं उनको अगर कोई भी ट्रोल करेगा तो अब अंजाम बुरा होगा, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, लेकिन अगर अब वो पहल करेंगे तो फिर अब अंजाम दिखाना ही पड़ेगा, इतने कमजोर कोई नहीं है, कोई इतना कमजोर नहीं है, नौकरी आपको भी चाहिए, नौकरी हमें भी चाहिए, तो नौकरी के लिए लड़ाई करिए, किसी और चीज के लिए अगर आप सोचेंगे तो भाई ये जान लीजिए कि फिर भूल जाएंगे कि हमारा घर परिवार कुछ है, सोच लेंगे कि हम हमारा के हमारे माँ बाप के केवल एक ही लड़के हैं, दो लड़के नहीं केवल एक लड़के हैं, यही सोच लेंगे। इसलिए अब हमको कोई भी उल्टा सीधा अगर बोलेगा और अगर हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा तो ये जान लीजिए कि फिर हम कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, या तो खुद को गोली मार देंगे या तो अगले को मार देंगे, स्पष्ट जान लीजिए, हम ना तो किसी को एक शब्द बोलेंगे और ना किसी से सुनना चाहेंगे। और जिन भाइयों को किसी को नहीं सहयोग करना उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया आप किसी को सहयोग मत करिए, लेकिन प्लीज जो कोर्ट की प्रक्रिया है आंदोलन तो होगा, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं कोर्ट पे डिपेंड है, आंदोलन तो होगा लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया भी बहुत ही जरूरी है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस पर भरोसा हो, जिसको लगता हो, दोनों वकील को अपीयर होना जरूरी है, उपेंद्र नाथ मिश्रा पे अभी भी हमको थोड़ा संदेह है, लेकिन 25 से शायद ये संदेह दूर हो जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी, लेकिन 25 को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि एक प्योर वकील जो 6800 की बात सिर्फ करने के लिए आए, 6800 पे कोई भी समस्या हो तो कम से कम उस दिन वो रोक दिक्कत ना होने दे। और सभी लोग धरने में पूरी तरीके से बल के साथ आइए, जो महिलाएं अकेले नहीं आ सकती अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने मम्मी के साथ, जिसके भी साथ आ सकते हैं आए वो, लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही आंदोलन डिसाइड करेगा कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा और कौन रखेगा और कितनी मजबूती के साथ रखेगा, ये डिसाइड करेगा आंदोलन से। बाकी 25 की तैयारी हमारी तरफ से पूरी है, बस आप लोगों से सहयोग भी नहीं मांगते, हम आप लोगों से सहयोग भी नहीं मांगते, नोटिस का पैसा दे दिया गया इसलिए सहयोग की जरूरत है, इसलिए आप लोग प्लीज सहयोग करिएगा, हमें कहना ना पड़े, और हम बार बार लाइव नहीं आएंगे या बार बार आप लोगों से कहने नहीं आएंगे, जितने लोगों को भरोसा है वो स्वेच्छा से दे दीजिएगा और जिनको नहीं है वो ना दीजिएगा, जिनको किसी और पे भरोसा है उनको दीजिएगा, जिनको किसी पे भरोसा नहीं है वो आंदोलन में आएंगे, आंदोलन में सभी लोग आएंगे, लेकिन जिनको लगता है कि सब बेकार है, कोई कुछ नहीं करने लायक है, तो वो लोग प्लीज सोशल मीडिया पे कोई भी गंध ना फैला करके
सिर्फ और सिर्फ धरने के लिए वो मोटिवेट करें लोगों को। और इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बंदा, अगर चाहे हमारी टीम से ही क्यों ना हो, अगर कोई भी किसी भी टीम को अपशब्द बोल रहा हो या ट्रोल कर रहा हो, तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त किसी से नहीं किया जाएगा। और उनकी तरफ से अगर कुछ इस तरीके से काम होगा तो वो भी बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने विचार से, आप लोग अपने समझदारी से, कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, नौकरी के एक पड़ाव पर हैं, बीवी बच्चे वाले हैं मैक्सिमम लोग, तो सबको समझदारी है। किसी को ये नहीं बताने की ज़रूरत, हमको बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग धरने में ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा और 25 तारीख के लिए वकील को अपीयर करने के लिए सहयोग कर दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट आपसे। बाकी ट्रोलिंग वाला काम अब सभी लोग बंद कर दीजिए। अकाउंट थोड़ी देर के बाद जारी हो जाएगा, जिसको सहयोग करना होगा करेगा, जिसको नहीं करना होगा ना करिएगा। फिर बोल रहे हैं कि कोई भी अपोजिट पार्टी, विजय भाई या अमरेंद्र भाई का टीम का भी, या ये लोग अगर विरोध किए किसी चीज का तो ठीक नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस भी भाई, 6800 लोग हैं, जिसको जहां इच्छा होगी सहयोग करिएगा। हमें किसी से ये नहीं कहने की जरूरत है कि आप हमको ही करिएगा, जिसको मन करेगा करिएगा।